कहानी भाग दो। नमस्ते बच्चों, अब आप सब जान गए होंगे कि मिट्टी यानी मृदा हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या आपको मिट्टी की विभिन्न परतों की जानकारी है? अच्छा बताइए कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? सही बताया आपने, सबसे ऊपरी परत ह्यूमस होती है, जो सड़े गले जैव पदार्थों से बनी होती है। मेरे मन में एक सवाल है जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। क्या मिट्टी सब जगह एक जैसी होती है, या विभिन्न जगहों की मिट्टी जैसे नदी का किनारा, बगीचे की मिट्टी अलग प्रकार की होती है? चलिए आप और मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक गांव में चलते हैं, जहां दो बच्चे इसी सवाल को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य है क जानना कि मृदा के प्रकार क्या हैं, ख मृदा के गुणों के बारे में समझना। ये नीलू और मीनू हैं। इन दोनों ने घर में अपना अपना एक पौधा लगाया था। नीलू का पौधा तो हरा भरा हो गया है, पर मीनू का पौधा न जाने क्यों हरा भरा नहीं हुआ है। वे दोनों इसी के बारे में सोच रही हैं। अरे नीलू, देखना मेरा पौधा तो कैसे सूखा जा रहा है। मैंने तो इसमें सही मात्रा में पानी डाला, धूप में भी रखा और यहाँ पर्याप्त हवा भी है, पर फिर भी ये हरा भरा नहीं हुआ। हाँ मीनू, मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरे पौधे को भी मैंने पानी, सूर्य की ऊर्जा, हवा, खाद दी और तुमने भी। ऐसा क्या अलग हुआ होगा तेरे और मेरे पौधे में? चल एक बार पानी डालकर देखते हैं कि क्या होता है। मीनू और नीलू पहले नीलू के पौधे में पानी डालती हैं और फिर मीनू के। देख मीनू, पानी धीरे धीरे मिट्टी में जा रहा है और फिर थोड़ा पानी यहीं ऊपर रुक गया है, वह थोड़ी देर में मिट्टी में मिल जाएगा। चल अब तेरे पौधे में पानी डालते हैं। अरे यह देख मीनू, तेरे पौधे की मिट्टी ने एक साथ इतनी तेजी से सारा पानी सोख लिया। नीलू तुझे याद है, तुमने अपने पौधे की मिट्टी रामू काका के बगीचे से ली थी और मैंने वहाँ जो रेतीली मिट्टी पड़ी थी उसका उपयोग किया था। हाँ मीनू, चल हम एक प्रयोग करते हैं। हम अपनी यह पहेली सुलझाने के लिए तीन जगहों से मिट्टी इकट्ठी करते हैं, फिर हम उसमें पानी डालकर देखेंगे कि क्या होता है। मीनू और नीलू घर से तीन बर्तन लेती हैं, फिर वे दोनों रामू काका के बगीचे की मिट्टी उठाती हैं, थोड़ी रेतीली मिट्टी उठाती हैं और कुछ मिट्टी वे रास्ते में शंकर काका के खेत से लेती हैं। फिर घर लौटकर वे अलग अलग मिट्टी के नमूनों को अलग अलग बर्तन में रख देती हैं। चल मीनू, अब हम इन तीनों में बराबर पानी डालते हैं। वे दोनों तीनों नमूनों में पानी डालती हैं, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलू मुझे लगता है कि हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। एक विचार है मीनू, हम मोटे कागज की कीप यानी फनल बनाते हैं। मैंने छठी कक्षा में विज्ञान की कक्षा में कीप बनाना सीखा था। फिर हम कीप से मिट्टी को एक प्लास्टिक की टूटी बोतल में डालते हैं, उसके नीचे एक प्लेट रख के हम उसमें पानी डालकर देखेंगे। ऐसे हमें यह पता चल सकेगा कि कौन सा मिट्टी का नमूना कितना पानी सोख रहा है। चल मैं देखती हूँ। मैं प्लास्टिक की तीन बोतलें लाती हूँ,
कल ही माँ ने अलग की थी। और मैं कीप बनाती हूँ। चल अब सब तैयार है, अब हम पहले रेतीली मिट्टी का नमूना डालते हैं और फिर बगीचे वाली और फिर शंकर काका के खेत की। मीनू तीनों कीपों से मिट्टी डालती है और नीलू फिर एक एक करके पानी डालती है। वे दोनों थोड़ा इंतजार करती हैं। ये देख नीलू, रेतीली मिट्टी से कितना सारा पानी बह गया। मैंने देखा था कि रेतीली मिट्टी में रेत और कंकड़ का अनुपात बहुत ज्यादा था, पर शंकर काका के खेत की मिट्टी में चिकनी मिट्टी का अनुपात दूसरे कणों से ज्यादा था। हाँ, तू सही सोच रही है मीनू, मैंने भी यह देखा था। और बगीचे की मिट्टी में मैंने देखा कि बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग एक समान था। नीलू ये देख, शंकर काका के खेत से ली हुई मिट्टी ने पानी बहुत कम सोखा है और बगीचे की मिट्टी में से थोड़ा पानी बह गया और थोड़ा पानी रह गया है। हाँ मीनू, सही कह रही हो। क्या इसका मतलब है कि जो पौधे रेतीली मिट्टी में उगते हैं उन्हें कम पानी की आवश्यकता है और जो पौधे बगीचे की मिट्टी में उगते होंगे उन्हें उपयुक्त पानी की आवश्यकता होती है? अच्छा, शंकर काका के खेत में ज्यादातर चावल उगता है और बाबा ने बताया था कि चावल की खेती के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार की चिकनी मिट्टी में से पानी कम मात्रा में निकलता होगा, जैसे हमने अभी अपने प्रयोग में देखा। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ कम पौधे उगते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि रेतीली मिट्टी में से पानी कितनी जल्दी निकल जाता है, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। और ये बगीचे वाली मिट्टी पर्याप्त पानी सोखती है और बाकी पानी पौधे की जड़ों में चला जाता है। मीनू, तुमने भी तो रेतीली मिट्टी का प्रयोग किया था अपना पौधा उगाने के लिए। हाँ नीलू। अच्छा, क्योंकि रेतीली मिट्टी में से ज्यादातर पानी बह जाता है इसलिए तुम्हारा पौधा हरा भरा नहीं हुआ है, और मेरे पौधे में बगीचे वाली मिट्टी थी जो सही मात्रा में पानी सोखती है, इसलिए मेरा पौधा हरा भरा हो गया। यानी के मिट्टी के कणों के आकार के अनुसार मृदा को विभाजित कर सकते हैं। मेरी अध्यापिका ने हमें बताया था कि कपास, सब्जियों को उपयुक्त पानी चाहिए होता है और चावल और गन्ने को उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हाँ, तो उसके अनुसार और हमारे प्रयोग के नतीजे से मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। मिट्टी के कणों के अनुसार मिट्टी को रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और चिकनी और बलुई मिट्टी में विभाजित किया जा सकता है। अरे मीनू, तू तो बिल्कुल एक अध्यापिका जैसे समझ रही है, बस एक चश्मे की कमी है। मीनू, तुझे क्या लगता है कि शंभू काका जो मिट्टी के घड़े और सुराही बनाते हैं वे किस मिट्टी का उपयोग करते होंगे? चल नीलू, उनसे पूछते हैं। देखा दोस्तों, नीलू और मीनू ने कितना अच्छा प्रयोग किया और मेरे सवाल का जवाब भी ढूंढ निकाला। मिट्टी या मृदा का हम तीन रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं। क, बलुई मिट्टी, जिसमें रेत या बड़े कणों का अनुपात ज्यादा होता है। ख, मृणमय मिट्टी, जिसमें कीचड़ का अनुपात ज्यादा होता है और छोटे कण अधिक होते हैं। ग, दुमटी मिट्टी, जिसमें बड़े और छोटे कणों का अनुपात एक समान होता है। अब मैं भी नीलू जैसे सोच रही हूँ कि घड़े और सुराही कौन सी मिट्टी से बनते हैं। जल्द मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ।